हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 39 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो है हम उसे समझने वाले हैं, जो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड। और आज हम समझेंगे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट नंबर 4। इससे पहले हम 3 इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमने समझा था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की एडजस्टमेंट पार्ट 9 में, उसके बाद डिविडेंड की एडजस्टमेंट पार्ट 10 में, और उसके बाद हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 समझा था डेप्रिसिएशन का, जिसे हमने पार्ट 30 और 31 में जो है वो समझा है। और आज हम सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4 जो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपको इससे रिलेटेड या तो 1 मार्क में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपको जो आप 6 मार्क का लॉन्ग न्यूमेरिकल आता है उसमें भी जो है वो आपको ये पॉइंट पूछा जा सकता है। तो आप बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, इस वीडियो से आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आज हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता क्या है। वो इंटरेस्ट जो हम हमारे डिबेंचर्स के ऊपर पे करते हैं हम उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट इज अ अवार्ड दैट ऑल द डिबेंचर होल्डर्स रिसीव फॉर इन्वेस्टिंग इन दी डिबेंचर्स। इंटरेस्ट एक बेनिफिट है या एक अवार्ड है जो हम हमारे डिबेंचर होल्डर्स को देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे जो डिबेंचर्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स हमारी कंपनी में या हमारे डिबेंचर्स में जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें जो है वो एक इंटरेस्ट पे करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। यहां पर मैं बात कर रही हूं उन डिबेंचर्स के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, जो हमें हमारी लायबिलिटी साइड पर गिवन होते हैं, हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज हेड के अंडर। ठीक है, वो डिबेंचर्स जो हमें लाइबिलिटी साइड पर नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर गिवन होते हैं, हम यहाँ पर उन डिबेंचर्स के इंटरेस्ट की जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर डिबेंचर्स नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर गिवन होते हैं, ठीक है, हम उन्हें समझेंगे कि उनके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो 1 मार्क में जरूर पूछा जाता है वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट की जगह जो वो ब्लैंक आती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट डैश, आपको उसका आंसर लिखना है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैसे है, हमेशा ध्यान रखिए जो भी आइटम्स को हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करते हैं, ठीक है, जिन आइटम्स को हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करते हैं वो सारी आइटम्स हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। प्रॉफिट के अगेंस्ट हमने जिन्हें एडजस्ट किया है, और प्रॉफिट के अगेंस्ट हम जिन आइटम्स को एडजस्ट करते हैं वो हम सारी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। जो हमारा ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है हम इसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो डेबिट साइड पर शो करते हैं एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो जिसकी वजह से ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आप ध्यान रखें ये आपको 1 मार्क में जो है वो पूछा जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट डैश, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आप देखिए आपको कुछ इस तरह से आपकी बैलेंस शीट में डिबेंचर्स जो हैं वो गिवन होते हैं। आपको इस तरह से गिवन होगा 12% डिबेंचर्स, ठीक है,
ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस मीन्स हमारे ओपनिंग ईयर में कितना बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस मीन्स हमारे क्लोजिंग ईयर में कितना मेंशन था। जैसे मैं यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है 31 मार्च 2019 का, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें गिवन है 31 मार्च 2020 का। यहाँ पर आपको देखिए जो डिबेंचर्स वर्ड है, ठीक है, उसके आगे कुछ परसेंटेज, एक परसेंटेज जो है वो गिवन है। वर्ड के आगे जो हमें परसेंटेज गिवन होती है हम इसे कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, पी आर ई एफ आई एक्स, प्रीफिक्स जो आगे लगा होता है, ठीक है, वर्ड के, उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। इस प्रीफिक्स का मतलब है कि जो हमारे डिबेंचर्स हैं हम उनके ऊपर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम पे करेंगे। हम हमारे डिबेंचर्स के ऊपर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम पे करेंगे, वो इस प्रीफिक्स का जो है वो मतलब होता है। यहाँ पर आपको कोई भी परसेंटेज गिवन हो सकती है, 5%, 6%, 8%, 9%, 10%, 12%, 13%, 15%, कुछ भी परसेंटेज जो है वो हो सकती है, ठीक है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको वर्ड के आगे प्रीफिक्स दिखाई दे रहा है तो आपको खुद ही ध्यान रखना है कि आपको अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा आपको उसे कैलकुलेट करना है और फिर अपने क्वेश्चन में एडजस्ट करना है। क्वेश्चन में आपको कभी भी लिखा नहीं होगा कि आपने इस 12% का भी कुछ करना है, ठीक है। आपको खुद ही ध्यान रखना है, अगर प्रीफिक्स दिया गया है तो आपको इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। टीचर स्पेशली चेक करता है, जब वो एग्जाम आपके चेक करेगा कि आपने डिबेंचर्स के ऊपर जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था वो आपने एडजस्ट किया है या नहीं किया है। तो हमेशा ध्यान रखें, प्रीफिक्स लगा है तो इट मींस आपको जो इसका इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं कि हमने अगर ये कैलकुलेट कर लिया 12% तो अब हम इसे कहाँ पर जो है वो अपने क्वेश्चन में मेंशन करते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो हम किस तरह से उसे मेंशन करते हैं अपने क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को आपको टोटल दो जगह पर मेंशन करना है अपने क्वेश्चन में। सबसे पहले हम इसे ऐड करते हैं इन नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, जब हम हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद इसका रीजन है क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है ये हमारा एक तरह का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, और हम सभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं जब हम अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपको डिडक्ट करना होता है, माइनस करना है इसे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से, क्योंकि जो डिबेंचर्स हैं वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है तो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो हमारा 5000 है, ठीक है, तो 5000 ही हम ऐड करेंगे, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और 5000 ही जो है वो हम माइनस करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से, ठीक है। यहां पर मैंने आपको समझाया डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, अगर आपको आपकी लाइबिलिटी साइड पर कोई भी लोन या कोई भी लाइबिलिटी गिवन है जिसके आगे जो है वो प्रीफिक्स लगा हुआ है, जैसे कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 5% बैंक लोन, ठीक है, या फिर 9% SBI लोन, ठीक है, या फिर एक आपको दो तरह के डिबेंचर्स आपके क्वेश्चन में गिवन है, जैसे 10% डिबेंचर्स, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ 12% डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग, पर आपको क्वेश्चन में एक और डिबेंचर दिया है 10%, ठीक है, तो इन डिबेंचर्स के ऊपर हम भी
जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इनके आगे भी जो है वो प्रीफिक्स दिया हुआ है, हमें इनके ऊपर भी जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कैसे है, वो बिल्कुल सेम है जैसे मैं आपको अभी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का एक्सप्लेन करूंगी कि आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप कोई एक पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए, बाकी सारे पॉइंट्स, बाकी सभी के ऊपर कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो बिल्कुल सेम है। तो इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर समझने से ही आपको ये सारे पॉइंट्स भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे, इनके ऊपर हम इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और इन सब का भी ट्रीटमेंट सेम है जैसा हमने अभी डिबेंचर्स का समझा है। इनका जो इंटरेस्ट होगा वो भी ऐड हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में और माइनस हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ केसेस आते हैं, आपको बड़े ही ध्यान से समझना है कि सभी केसेस हमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आपको इस तरह से बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके डिबेंचर्स का बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस हो गया है 4 लाख। ओपनिंग था 3 लाख, अब हो गया है 4 लाख। इट मीन्स हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। और वो इंक्रीज कितनी अमाउंट से हुए हैं, वो इंक्रीज हुए हैं 1 लाख से। ठीक है, हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो 1 लाख से इंक्रीज हो गए हैं। इंक्रीज होने का मतलब है कि हमने जो नए डिबेंचर्स हैं उन्हें इश्यू कर दिया है। इश्यू भी लिख सकते हैं या फिर आप रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स भी इन्हें कह सकते हैं। जब आपके डिबेंचर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर या तो हमने नए डिबेंचर्स इश्यू किए हैं या फिर आप इसे रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स भी जो है वो कह सकते हैं। अब फर्स्ट केस होता है हमारा कि हमें क्वेश्चन में कोई भी डेट मेंशन नहीं है कि हमने जो ये 1 लाख के डिबेंचर्स नए इशू करे हैं ये किस डेट को इशू करे हैं। इफ नो डेट इज मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड, नॉर्मली जो डेट होती है किस दिन हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही जो है वो बताया होता है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी बताया नहीं गया है कि आपको जो आपने जो नए डिबेंचर्स इशू करे हैं वो किस डेट को करे हैं, तो हमने उस केस में इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो जो फर्स्ट केस है आपका, अगर आपको कोई भी डेट मेंशन नहीं है तो आपको क्या करना है, ऑलवेज चार्ज इंटरेस्ट ऑन योर ओपनिंग बैलेंस। तो आपको क्वेश्चन में जो ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा डिबेंचर्स का, आपको उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करना है। जैसे मैं आपको यहां पर करके दिखाती हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्वेश्चन में कोई डेट मेंशन नहीं है कि हमने कब इन 1 लाख के शेयर डिबेंचर्स को इशू करा है, तो आपने जो है वो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मीन्स जो आपके ओपनिंग ईयर का बैलेंस होगा, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है। ओपनिंग बैलेंस है आपका 3 लाख, तो आपको 3 लाख के ऊपर जो है वो लगाना है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये 12% के अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखें कि जो ये 12% होता है, ठीक है, ये पर एनम होता है। ठीक है, ये पूरे साल का होता है। ठीक है, हमें पूरे साल का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट, मतलब ये पूरे साल का जो है वो इंटरेस्ट होता है। तो अब हम क्वेश्चन में चेक करते हैं कि हमने कितनी देर जो है वो डिबेंचर्स को यूज करा, उसके अकॉर्डिंग हम मंथ्स कैलकुलेट करते हैं और फिर हम जो है वो अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे कि आप देखिए, हमें क्वेश्चन में कोई भी डेट मेंशन नहीं है तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे ये 3 लाख के डिबेंचर्स हैं हमने इन्हें जो है वो पूरा साल यूज किया है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट पूरे साल का है।
ठीक है, तो मैंने 12 मंथ्स का जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ इसी अमाउंट से, और फिर जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तब आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 36,000। ये 36,000 जो है वो आपकी अमाउंट आई है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में कोई भी डेट मेंशन ना हो तो आपको सीधा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट लगा देना है पूरे साल का। ठीक है, पूरे साल का इंटरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और जो ये 36,000 आपकी वैल्यू आई है, आपको इसे जो है वो दो जगह पर लिखना है। सबसे पहले आपको इसे ऐड कर देना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और दूसरा आपको इसे माइनस करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। सो ये था हमारा फर्स्ट केस, केस नंबर 1। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डेट मेंशन नहीं है कि आपने डिबेंचर्स को कब इशू करा है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो है वो अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड केस आता है, केस नंबर 2। इफ द डिबेंचर्स वर इशूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेंशन होगी एक लाइन कि आपने जो डिबेंचर्स हैं वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इशू करे हैं। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब है कि आपने डिबेंचर्स को ओपनिंग ईयर में इशू किया है। जैसे मेरे को यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 31 मार्च 2019, और क्लोजिंग बैलेंस को 31 मार्च 2020। ठीक है, ओपनिंग बिगिनिंग में ईयर, बिगिनिंग में डिबेंचर्स इशू करने का मतलब है कि हमने जो डिबेंचर्स हैं, ठीक है, वो 31 मार्च 2019 को जो है वो इशू करे हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, जब हमारा साल जो है वो शुरू हुआ है। ठीक है, 31 मार्च 2019 को मैं एक तरह से और लिख सकती हूँ 1 अप्रैल 2019, क्योंकि 31 मार्च 2019 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 1 अप्रैल का जो है वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो साल है वो 1 अप्रैल 2019 से जो है वो स्टार्ट होगा, और ये ईयर कंप्लीट होगा हमारा 31 मार्च 2020 को, जो हमारा क्लोजिंग ईयर है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने जो डिबेंचर्स हैं वो बिगिनिंग में इशू कर दिए हैं। ठीक है, इसको दो तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि अगर हमने जो डिबेंचर्स हैं उन्हें बिगिनिंग में इशू किया है ओपनिंग ईयर में, तो आपको इंटरेस्ट जो है वो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर निकालना है। ऑलवेज चार्ज इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस। अगर बिगिनिंग में आपने शेयर डिबेंचर्स को इशू कर दिया है, तो आपको जो उनका इंटरेस्ट है वो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर जो है वो कैलकुलेट करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है 4 लाख। 4 लाख के ऊपर आपको लगाना है 12%, और हमने साल की शुरुआत में ही इशू कर दिए हैं, तो यहाँ पर भी हम पूरे साल का ही जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ये इस तरह से आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास जो है वो बच जाएगा 48,000 आपके इंटरेस्ट की अमाउंट। ठीक है, आप इसे इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर सीधा आप इसे 4 लाख का 12% इस तरह से भी लिख सकते थे। ठीक है, पूरे साल का ही जो है ये कैलकुलेट होगा। अगर आपने बिगिनिंग में जो है वो इशू किया है, तो आपको क्लोजिंग के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है, वो भी पूरे साल का। आप इसे चाहें तो एक और तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों ही तरीके जो है वो ठीक है। एक तो हमने ये तरीका समझा, ठीक है, एक और मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, हमारा ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है, और 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास बैलेंस था हमारे डिबेंचर्स का 3 लाख रुपीस। ठीक है, 3 लाख
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमने 1 अप्रैल 2019 को बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 1 लाख के और डिबेंचर्स इशू कर दिए। पहले था 3 लाख, अब हो गया है 4 लाख, बढ़ गई है वैल्यू। तो इट मींस हमने जो है वो नए डिबेंचर्स इशू किए हैं। कितने इशू किए हैं वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, 3 लाख माइनस 4 लाख। 1 लाख के हमने नए डिबेंचर्स जो है वो इशू कर दिए हैं, ठीक है। अब इट मींस कि हमारे पास टोटल 1 अप्रैल 2019 को जो है वो 4 लाख डिबेंचर्स हैं, ठीक है। पहले था हमारे पास 3 लाख ओपनिंग में, 1 अप्रैल को हमने नए डिबेंचर्स और इशू कर दिए 1 लाख के। अब हमारे पास टोटल हो गया है बैलेंस 4 लाख का, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये जो 4 लाख है हमने इन्हें कितनी देर तक जो है वो यूज किया है। जैसे हमारा जो ईयर है वो कंप्लीट होगा 31 मार्च 2020 को। आपको चेक करना है कि जो अब हमारे पास ये डिबेंचर्स हैं हमने इन्हें कितने मंथ्स के लिए यूज किया है अप टू 2020। 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2020 जो है वो टोटल 12 मंथ्स बनते हैं, ठीक है। इट मींस जो हमारे पास ये 4 लाख के डिबेंचर्स हैं हमने इन्हें पूरे 12 महीने जो है वो यूज किया है, या ये पूरे 12 महीने जो है वो हमारे पास रहे हैं, ठीक है। तो हम इनके ऊपर जो मंथ्स है वो पूरे 12 मंथ्स के लिए जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जो इंटरेस्ट है वो हम 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। जैसे 4 लाख, ठीक है, 4 लाख का 12% इंटू ये जो 12% है ये 12 महीनों के लिए है, और हमने भी पूरे 12 मंथ्स का ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 48,000 आपका इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरह से भी 48 आया है। अगर मैं इसे सीधा क्लोजिंग के ऊपर भी लगा देती तो भी सीधा 48,000 ही जो था वो मेरा आंसर आना था। आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला या तरीका यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम में आपका ये पॉइंट गलत नहीं करेगा अगर आप इन दोनों में से कोई एक भी यूज करते हैं। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं, ठीक है। पहले हमारे पास थे 3 लाख, ठीक है, फिर हमने और नए इशू कर दिए 1 लाख। तो अब हमें इस 1 लाख के ऊपर भी जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ प्लस किया 3 लाख प्लस 1 लाख इक्वल टू 4 लाख। अब हम टोटल इस 4 लाख के ऊपर जो है वो अपना इंटरेस्ट पे करेंगे। अब हम करते हैं आगे केस नंबर थ्री में आपको दिया गया है इफ द डिबेंचर्स वर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर। हमने डिबेंचर्स को इशू करा है एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर का मतलब है कि क्लोजिंग डेट को हमने डिबेंचर्स को इशू करा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा डिबेंचर्स का बैलेंस है वो 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है। इट मींस हमने 1 लाख के नए डिबेंचर्स जो हैं वो इशू किए हैं, पर इशू हमने करे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया हो, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया होगा कि आपने जो डिबेंचर्स हैं वो एट द एंड इशू करे हैं, तो आपको क्या करना है, ऑलवेज चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। अगर आपको दिया गया है कि क्लोजिंग में हमने नए डिबेंचर्स इशू करे हैं तो आपको जो इंटरेस्ट है वो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो है वो लगाना है। जैसे यहां पर आ जाएगा 3 लाख हमारा ओपनिंग बैलेंस है, 3 लाख के ऊपर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो भी पूरे 12 मंथ्स का आपको जो है वो कैलकुलेट करना है। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और 3 लाख का 12% हमारे पास आ जाएगा 36,000, ठीक है। और हमने 36,000 का जो इंटरेस्ट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है ओपनिंग में नए डिबेंचर्स इशू करे हैं तो क्लोजिंग के ऊपर इंटरेस्ट लगा दीजिए। अगर बताया गया है क्लोजिंग में डिबेंचर्स इशू करे हैं तो आप ओपनिंग के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट लगा दीजिए,
दोनों का उल्टा होगा। ओपनिंग में किया है तो क्लोजिंग के ऊपर इंटरेस्ट, क्लोजिंग में किया है तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। चलिए अब आपको मैं एक और तरीके से समझा देती हूँ कि हमने इसे किस तरह से कैलकुलेट किया है। फर्स्ट अप्रैल 2019 ये मान लेते हैं कि हमारे पास 31 मार्च 19 का बैलेंस है और ये 31 मार्च 2020 का बैलेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रैल 2019 को हमारे पास डिबेंचर्स की वैल्यू थी 3 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नए डिबेंचर्स इशू करे, वो हमने इशू करे 31 मार्च 2020 को 1 लाख के। तो इट मींस अब 31 मार्च को हमारे पास टोटल 4 लाख के डिबेंचर्स बन गए हैं, ठीक है। फर्स्ट अप्रैल को थे 3 लाख, 31 मार्च को हमने 1 लाख नए इशू कर दिए डिबेंचर्स और 31 मार्च को हमारे पास टोटल बैलेंस बना हमारा 4 लाख। अब आपको चेक करना है कि हमने इन डिबेंचर्स को कितने महीनों के लिए पूरे साल में यूज किया है। अब देखिए जो हमारे पास ये फर्स्ट अप्रैल के डिबेंचर्स हैं, फर्स्ट अप्रैल 2019 के, इनको तो हमने पूरा साल यूज किया होगा अप टू 31 मार्च 2020, ये हमारे पास पूरे साल के लिए रहे हैं। तो हम इनके ऊपर जो है वो पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा 3 लाख का 12% इंटू 12/12, ये आएगा 36,000, ठीक है। उसके बाद हमने नए डिबेंचर्स इशू करे 31 मार्च 2020 को और 31 मार्च 2020 हमारा क्लोजिंग ईयर है, तो इट मींस इस दिन हमने जो अपनी बुक्स हैं वो क्लोज कर दी हैं, ठीक है। हमने अपनी बुक्स जो हैं वो क्लोज कर दी हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है कि हमने इन 1 लाख को कितने देर के लिए जो है वो यूज किया है अपने अकाउंटिंग ईयर में। फर्स्ट 31 मार्च 2020 को इशू करे और 31 मार्च 2020 को ही हमने अपनी बुक्स क्लोज कर दी हैं। इट मींस हमने अभी तक इन डिबेंचर्स को यूज नहीं किया है क्योंकि लास्ट डेट को इशू किया और लास्ट डेट को हमने अपनी बुक्स क्लोज कर दी हैं। तो इट मींस हमने इन डिबेंचर्स को जो है वो 0 मंथ्स के लिए यूज किया है, ठीक है। 31 दिसंबर को इशू करे पर 31 दिसंबर को हमने 31 मार्च 2020 को डिबेंचर्स इशू करे और 31 मार्च 2020 को हमने अपनी जो बुक्स हैं वो क्लोज कर दी हैं, ठीक है। बुक्स क्लोज हो चुकी हैं तो हमने इन्हें अभी तक यूज ही नहीं किया है, तो यहाँ पर 0 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। तो अगर आप इसके ऊपर कैलकुलेट भी करें 1 लाख के ऊपर, 1 लाख का 12%, ये इंटरेस्ट 12 मंथ्स के लिए है लेकिन हमने यूज इसे सिर्फ अभी किया ही नहीं है, 0 मंथ्स के लिए यूज किया है, तो यहाँ जो इंटरेस्ट होगा वो नील आ जाएगा और हमारे पास सिर्फ ये 36,000 बच गया है जो हमने हमारे ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट किया था। देखिए इस तरह से करने से भी 36,000 आंसर आया है और अगर मैं इसे सीधा लगा देती ओपनिंग बैलेंस के ऊपर तो भी हमारे पास जो आंसर है वो 36,000 ही आना था। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके जो है वो अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो ज्यादा इजी है सॉल्व करना, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको इसमें सोचना पड़ेगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो आप हमेशा इजी वाला मेथड ही फॉलो करें ताकि एग्जाम में आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो बच सके। जितनी जल्दी आप हमेशा ट्राई कीजिए कि पेपर जल्दी से जल्दी आप अपना कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 3 जिसमें हमने समझा कि अगर हमने डिबेंचर्स को एट द एंड ऑफ द ईयर इशू करा है